भाई तो सही पढ़ेंगे। लो भाई जी नरेंद्र जी क्या सोच रहे हैं? एक मुखबर ने बताया था जी एक बंद गोडिया ट्रक है जिसमें 30-32 गाय भरी हुई है और बॉम्बे हाईवे से जाएगा, जो उसकी सूचना को पाकर हम उसके साथ लगे तो गोंडसी टूल टैक्स को तोड़ते हुए 500 मीटर आके आया और जहाँ जिसको साथियों के साथ इसने काबू किया गया। तस्कर भी पकड़े हैं? दो इसमें मुलजिम थे, वो ड्राइवर और एक परिचालक, दो पकड़े। कहाँ ले जा रहे थे कुछ पता चल पाया? मेवात की बता रहे हूँ जी। मैं शैलेंद्र हिंदू पलवल बजरंग दल हरियाणा, और इस गाड़ी की हमें मुकर खास से सूचना मिली थी कि ये गाड़ी राजीव चौक और सुभाष चौक से होते हुए मेवात जाएगी गौतस्करी में, जिसको ये पीछे टूल को भी तोड़ के आई है। इसमें हमने दो तस्करों को काबू किया है और इसमें गौवंश को बुरी तरह से भरा हुआ है, जो कि आजकल इतनी बड़े लेवल पर गौतस्करी चल रही है, जो दिल्ली बॉम्बे हाईवे बना है इसमें से बहुत तस्करी हो रही है जी। पिछले दिनों में भी कई गाड़ियां पकड़ी गई हैं और पिछले दिनों में गुड़गांव में भी कई गाड़ियां पकड़ी गई हैं। तो हमारा सरकार और प्रशासन से यही हो है कि ये जो इतनी गौ तस्करी बढ़ रही है इन पर रोकथाम लगाई जाए। ऐसे बड़ी बड़ी बंद कंटेनरों में गायों को क्रूरतापूर्वक भरा जाता है और एक तरफ गौरक्षकों को और बजरंग दल को विलन दिखाया जाता है, आतंकी दिखाया जाता है। तो आप देख लीजिए किस तरीके से ये मेवाती तस्कर गौवंश को भरकर मेवात में कटने के लिए ले जाते हैं। कहां से इस गाड़ी का पीछा करने लगे थे और किस तरह पकड़ में आई है? जी हमने इसका पीछा दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर से किया था और ये आपका ये भौंडसी टूल क्रॉस करने के बाद गुड़गांवा सोना रोड पर काबू आई है।